बी हेल्दी चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबे, घने और काले बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके बालों में कोई भी समस्या है, जैसे कि डैंड्रफ की समस्या है, स्कैल्प में खुजली की समस्या है जिसके वजह से बाल झड़ने और टूटने लग जाते हैं, उस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन आता है उसको भी टच कर दीजिए जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम इस उपाय में हमें करना है। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए आंवला, सूखा हुआ आंवला जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। रीठा चाहिए, ये भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके लिए शिकाकाई चाहिए, वो भी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये तीनों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बरसों से हमारे देश में इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो आइटम होते हैं, शैम्पू और कंडीशनर होते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल आज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। पतंजलि के बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने घर पर करते हैं तो वो नेचुरली रूप में आपको उपलब्ध होंगे और नेचुरली तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों की जो समस्याएँ हैं, जो सभी समस्याएं हैं, वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। अब चलिए हम जान लेते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें किस प्रकार से अपने बालों में करना है। तो ये जो चीज़ें हैं मार्केट में बहुत ही आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पे या जो राशन की दुकान होती है वहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। वहाँ से लेकर के आपको करना क्या है कि इन चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा आपको रात में पानी में डाल करके इसको भिगो देना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर भिगोया हुआ है, इस तरीके से आपको रात में पानी में डाल देना है इन चीज़ों में से बराबर बराबर मात्रा लेकर के। तो आप सुबह में देखेंगे कि इस तरीके से ये कलर आ जाता है पानी का। इस पानी का उपयोग अपने बालों में आपको मसाज करना है, उसको लगा करके छोड़ देना है कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपके बालों की जो समस्याएं हैं, झड़ने टूटने की समस्या है, वो तो ख़त्म होगी होगी। इसके साथ साथ जो असमय सफ़ेद होने की समस्या है वो भी नेचुरली रूप से ख़त्म हो जाएगी। आपके बाल धीरे धीरे काले होने लग जाएंगे, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर आपने अपने बालों की समस्याओं के लिए तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं, तरह तरह के शैम्पू और तेलों का यूज़ करके थक चुके हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये एक ऐसा रामबाण उपाय है जो आपके बालों की समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगा। इसके साथ साथ असमय सफ़ेद होने की समस्या है अगर आपके बालों की, तो आप किसी डाई का इस्तेमाल करते हैं तो डाई का इस्तेमाल आप नहीं करें। इसको अगर रोज़ाना आप करते हैं तो आपके जो सफ़ेद हुए बाल हैं धीरे धीरे बिल्कुल ही नेचुरली रूप से काले हो जाएंगे। तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताया जिससे आप अपने बालों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस उपाय को आप रोजाना कर सकते हैं। आप चाहें तो इस इंग्रेडिएंट्स को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके पानी को छान करके निकाल लीजिए रोजाना, दोबारा इसका उपयोग आप पानी बनाने के लिए कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने बालों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।